Hello, so we are back once again to discuss the advanced questions of component and dividendo. Three advanced questions, you know, these are the toughest of the lots. These are the four most, difficult questions of this chapter, as far as I know. Ab ye advanced questions karne ke pehle, it will be better ki agar aap standard level ke questions pehle se seekh le. उस चीज के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो कि आपके सजेशंस में अपीयर कर जाएगा. सो वो करने के बाद आप इसको करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर एट यू नो दे आर एट सम अनदर लेवल. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. अपने पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. द फर्स्ट टू क्वेश्चंस वर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट यू नो इन द प्रीवियस वीडियो जो कि सजेशंस में आएगा आप लोग के. So you can watch that and then come to this later. So this is the third question of the series, but the first question of the day. Let's go on with it. Let's go on to the third question. Ab third question mein, under root becomes the point of attraction for a moment of time. Nahin. Kyunki under root to aap log ka favorite hai. Usko dekh ke aap log ka confidence yahan se yahan chala jata hai. So what to do? इस पूरे के पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में जो करना होता है वही कर रहा है. कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई होगा, जिसके वजह से ये अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा. अच्छा, वो कैसे? फॉर एग्जांपल, आप दोनों साइड पे कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे. हम बोल रहे हैं दोनों साइड पे, मतलब इस फोर वाले साइड पे भी एप्लीकेशन होगी उस चीज की. करेक्ट? कैसे? दिस फोर बिकम्स फोर प्लस वन बाई फोर माइनस वन. बच्चों को बहुत बार समझ में नहीं आता है कि वन कहां से आया. तो ये वन इसलिए आया क्योंकि यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर में वन है. बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उस तरफ क्या है, 2x प्लस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2x माइनस अंडर रूट. नाउ यू आर सपोज टू ऐड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. जो एडिशन वाला पार्ट है वो आप ऊपर प्लेस करेंगे, जो सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो आप नीचे प्लेस करेंगे. दैट इज ऑल अबाउट कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो. तो अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो आंसर क्या आएगा इसका? एक होगा 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, है ना? एडिशन हो रही है ना. अच्छा, फिर से क्या होगा? 2x माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, एडिशन हो गया. कहां हुआ एडिशन? न्यूमरेटर में हुआ है. यहां पे अगर आप ब्रैकेट दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि बीच में साइन क्या है, पॉजिटिव है. लेकिन अगर आप नीचे ब्रैकेट नहीं देते हो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. नीचे ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि साइन क्या रहता है बीच में, माइनस का रहता है. अच्छा, यहां पर क्या होगा? 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1. ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच में माइनस का साइन है. यहां पर नेगेटिव का साइन देंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड 2x माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ ये कैंसलेशन तो साफ साफ दिख रहा होगा, दोनों का साइन ऑपोजिट है ना. लेकिन 2x 2x तो कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. 2x plus 2x क्या होगा? 4x होगा. ओके ग्रेट, यहां पे लिख दिया 4x. ओके, अब नीचे वाले इस टर्म पे ध्यान देना और खास करके इस पोजिशन पे ध्यान देना. क्या ये 2x माइनस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन बाहर एक नेगेटिव का साइन है. इसका मतलब ये है जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहां पर 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1. अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना. फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि साइन चेंजेस है. यहां पर ये 2x पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया. ये 4x स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया. ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, 2x और 2x दोनों कैंसिल आउट हो जाता है. अंडर रूट प्लस अंडर रूट है. अब अंडर रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस 1 पहले भी था, बाद में भी है. तो आप इसको एप्पल प्लस एप्पल इज इक्वल टू 2 एप्पल्स जैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. लाइक x प्लस x 2x होता है, वैसे अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट होता है. ठीक है, तो ऊपर क्या था? 4x था और नीचे वो अंडर रूट दो बार अपियर किया, इसलिए यहाँ पे 2 अंडर रूट लिखा जाएगा. अंडर रूट के नीचे की जो वैल्यू है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगी. इट इज 4x स्क्वायर माइनस 1. नाउ ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होगा और यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा. ओके, देखो मैं फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूं. ये कैंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा होता है, हमेशा.
ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा और क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा. सो दिस इज द वैल्यू, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 5/3 बीइंग एट द राइट हैंड साइड. ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू. इस तरफ लास्ट डेटा इज 2x बाय अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/3. Now the problem of root over remains as it is. पहले भी था, अभी भी है. Now बहुत सिंपल सा तरीका इसको रिमूव करने का, आप होल स्क्वायर दे दीजिए. होल स्क्वायर देंगे तो क्या होगा, दिस 2 स्क्वायर बिकम्स 4, एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर. ये अंडर रूट आपको दिख रहा है, ये अंडर रूट क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक स्क्वायर था. स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. क्या बचा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 25/9, क्योंकि स्क्वायरिंग तो दोनों साइड पे हो रही है. नाउ व्हाट डू यू नीड, यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना. 9 इंटू 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, 9 इंटू 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36x स्क्वायर. और इस तरफ 25 इंटू दिस होल थिंग, 25 इंटू दिस होल थिंग, 25 इंटू 4x स्क्वायर सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा 25 इंटू 1. दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 किसी एक से नहीं, दोनों से मल्टीप्लाई होता है, है ना. सो 25 4 इज 100, इट इज 100x स्क्वायर, एंड देन 25 1 इज -25. ओके, नाउ यू नीड टू ब्रिंग योर कॉन्स्टेंट सेट RHS and variables at LHS. You know it is the basics of algebra since you were in class 7. So this 100x square shifts to the LHS. LHS mein already kya tha? 36x square tha. 100x square jab shift hoga to negative ho jayega. It becomes -100x square, which is equals to -25. Now 36x square minus 100x square. Square ko dekhe confuse mat hona. It is simply 36 minus 100. एक्स स्क्वायर को आप बाद में पुट कर दोगे, दिमाग में क्या रखना है बस, इट इज 36 माइनस 100. 36 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -64, एंड इस तरफ -25. ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. अब आपको आंसर निकालना है एक्स का, तो पहले आप आंसर निकाल लो एक्स स्क्वायर का. एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 25/64. ये 64 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डिवीजन में है. अब डिवीजन में है क्यों है, क्योंकि वो प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन में था. एट दी एलएचएस वो मल्टीप्लिकेशन में था, बाद में क्या हो गया, वो डिवीजन में चला गया. तो 25 के नीचे जाता है 64. इस तरफ मल्टीप्लिकेशन था, साइड चेंज हुआ तो डिवीजन में गया. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एक्स, जिस चीज के वजह से आपको अंडर रूट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. बाय द वे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन में आपको एक्स निकालना था, है ना. दैट वाज सपोज टू बी योर फोकस, करेक्ट. अब इस x square का requirement आपको नहीं है, x का requirement है. अब x square को x में convert करने के लिए आप यहाँ पे एक root over देते हो. Now since वो is equals to है, तो वो तराजू का दो पलरा जैसा behave करता है. आप अगर कोई modification एक side करोगे, तो दूसरे side automatically करना पड़ेगा to you know to maintain the balance. अगर आप LHS में under root दे रहे हो, तो RHS में भी under root देना मुनासिब है. अब इस तरफ अगर under root था, तो इस तरफ भी under root जाएगा. Okay? X square का under root क्या होता है? X होता है. 25 का अंडर रूट क्या होगा? 25 को सही से अगर लिखोगे तो उसको आप 5 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना. और 64 को अगर आप लिखोगे तो आप उसको 8 स्क्वायर लिख सकते हो. 5 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, है ना. जब वो अंडर रूट एक्ट करेगा, तो दोनों के ऊपर से जो स्क्वायर है वो हटा देगा. ओके, सो द आंसर्स बिकम 5/8. ठीक है, अब 5/8 है, अंडर रूट के बाहर आया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला कंसेप्ट ये है कि अगर कभी भी अंडर रूट के बाहर कोई नंबर आता है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटरफेस ले लेता है. मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेगा. अब कभी कभी आपके क्वेश्चन में लाइक मेंशन कर देगा कि x वाज अ पॉजिटिव नंबर, कभी कभी मेंशन कर देगा दैट x वाज अ नेगेटिव नंबर, कभी कभी कुछ मेंशन करेगा ही नहीं. अगर कुछ मेंशन नहीं करेगा तो x का दो आंसर निकलेगा, एक पॉजिटिव 5/8 एंड नेगेटिव 5/8. अगर मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन मेंशन मत करना. तुम सिर्फ आंसर क्या लिखोगे कि 5/8 है. अगर मेंशन कर देता है कि नेगेटिव चाहिए, तो सिर्फ तुम नेगेटिव वाला वैल्यू बैठाओगे. अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता, तुम दोनों बैठा देना, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया था. तो मैंने क्या किया, दोनों वैल्यूज यूज कर लिया. क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + x + x² / 1 - x + x²
इज इक्वल्स टू 62 इनटू 1 प्लस x बाय 63 इनटू 1 माइनस x. बट ये सम्स करने के पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द चैप्टर एक्सपेंशन. डू रिमेंबर देयर वाज चैप्टर एक्सपेंशन इन क्लास 9 जहां पे बहुत सारे फॉर्मूलास बताए गए थे, और वहीं पे एक फॉर्मूला बताया गया था a प्लस बी आई मीन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का. ए क्यूब प्लस बी क्यूब वॉज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वॉज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. Now these two formulas are actually the part of class 9 syllabus. और ये दोनों formulas बहुत important है आने वाले दो तीन questions के लिए. So मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप एक बार सोचो कि 1 plus x cube का formula क्या होगा, 1 plus x cube का formula क्या होना चाहिए. अब देखिए 1 मैं लिखा हूं लेकिन actually में 1 cube लिखना भी गलत नहीं है. तो cube लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये कोई formula का setup नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला का सेटअप है, समथिंग क्यूब प्लस समथिंग क्यूब, करेक्ट है ना. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट है ये, एग्जैक्टली इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, है ना. फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है ए प्लस बी, ए मतलब 1, बी मतलब एक्स. आप लिख दिए यहां पर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन किया. ओके, देन कम्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 आएगा. Then comes b square मतलब दूसरा वैल्यू, है ना, b मतलब दूसरा, a मतलब पहला, b मतलब दूसरा वैल्यू मतलब x, x का स्क्वायर करना है, ग्रेट. माइनस ए बी, ए बी मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a का वैल्यू क्या था, x था, b का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू x था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 into x, ऐसा ही होगा ना, 1 into x, ऐसा ही लिखोगे. अच्छा 1 into x क्या होता है, x होता है. ओके, अगर आप इस फॉर्मूला का एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब सोचो, इमेजिन करो, है ना. तो 1 माइनस एक्स क्यूब लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन वो फॉर्मेट नहीं पकड़ेगा, इसलिए आपको 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा. 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब. क्या होता है, इट इज ए माइनस बी मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड, एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर. और उसके बाद आप क्या करोगे, पॉजिटिव का साइन देके ए बी करोगे, ए बी मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, है ना. सो इट बिकम्स 1 इनटू एक्स, ठीक है. अब इसीलिए देखिए दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट था. नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप ठीक से देखते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स अलग अलग नहीं किए हुए हैं. इफ यू लुक एट योर आरएचएस, आरएचएस में आपको कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे लाइक 62 एंड 63, लेकिन वहां पे आपको वेरिएबल भी मिलेगा जैसे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, जो कि गलत है. या तो कॉन्स्टेंट्स दे या तो वेरिएबल दे, दोनों को एक साथ हाइब्रिड करके अगर तुम प्लेस करोगे तो वहां पर कोई भी मैथमेटिकल स्टेप ठीक से लगने वाले नहीं है. सो पहला स्टेप आपको यह करना पड़ेगा कि आप लोग को वेरिएबल सेट एलएचएस एंड कॉन्स्टेंट सेट RHS करना पड़ेगा, जैसे मैं मेंशन किया था, you know, it is something that you should have learnt in class 7, है ना? तो प्रॉब्लम यहाँ पे इस 1 plus x का है and 1 minus x का है ना? अगर तो 1 minus x का साइड चेंज करेगा तो 1 minus x कहाँ जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ पे, नीचे. तो वो अपना साइड चेंज करेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा. अच्छा 1 plus x कहाँ पे है, ऊपर. अगर अपना साइड चेंज करेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे. मतलब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में अपने को लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, विथ 1 माइनस एक्स, और नीचे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और उसके साथ 1 प्लस एक्स. बहुत सिंपल सी चीज है, फॉलो करना. ये 1 प्लस एक्स कहां गया, यहां, और ये 1 माइनस एक्स कहां गया, यहां, है ना. और सिंस ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सेफ रहेगा कि अगर आप लोग यहां पर बहुत सिंपल सा एक ब्रैकेट मेंटेन करें, अब आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज, है ना. सो इसके पीछे की लॉजिक क्या है, कि आपके वेरिएबल्स एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स एक साइड पे हो. लेकिन देखिए फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, इसका मतलब ये कि अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो आपको ये स्टेप ऑटोमेटिकली अपने आप के सामने दिखाई देगा,
क्यों मैं समझाऊंगा बाद में। अब देखिए यहां पर 62 है और यहां पर 63। अच्छा आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना, आप देखो ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स कौन सा फॉर्मूला है। लुक एट दीज टू फॉर्मूलाज, आप एक बार इन दोनों फॉर्मूलाज की तरफ ध्यान दीजिए, एक ये आपके पास और एक ये आपके पास, और सोचिए इस चीज को अच्छे से कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। लुक एट दिस, यहां पर 1 माइनस एक्स दिख रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए इट इज 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप ये अपने सोल्यूशन में पाओगे, ये आपको अपने सोल्यूशन के न्यूमरेटर में मिला है, करेक्ट है। ओके यहां पर देखिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, देखो यहां पे आ गया 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको कहां मिल रहा है, अपने डिनोमिनेटर में। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो नामुमकिन है कि आप इस सम्स को कंप्लीट करने पाओ, क्योंकि आखिर में आपको इन दोनों के जगह पे इन दोनों के वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, जो कि आपके क्लास 9 के नॉलेज से आता है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए आप लोग के बुक्स में ऐसे क्वेश्चन कम से कम 5-6 दिए हुए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए प्लस बी होल क्यूब वाले फॉर्मूलाज के बेसिस पे। नाउ कमिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ द फॉर्मूला, यहां पे आपको लिखना है 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और यहां पे आपको लिखना है 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ये माइनस एक्स वाला फॉर्मूला नीचे था तो मैंने उसका वैल्यू ले लिया, और ये 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला ऊपर था तो मैंने उसका वैल्यू ले लिया, तो इज इक्वल्स टू 62/63। अब अगर आप चाहें तो आप इस 1 क्यूब के जगह पे 1 प्लेस करके अपना काम चला सकते हैं। नाउ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो अभी तक आया भी नहीं है, अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई होगा। ओके क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड किया जाता है, सो इट बिकम्स 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर था और ये हमारा डिनोमिनेटर था, मैंने दोनों को ऐड किया, नेक्स्ट में अपने इन दोनों को माइनस करेंगे। ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पे, देखिए ओके ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दोनों को पहले ऊपर ऐड किया फिर दोनों को नीचे सब्स्ट्रैक्शन हुआ। अब ऊपर तो केयरफुल रहने की जरूरत नहीं क्योंकि एडिशन का साइन है, ये माइनस एक्स क्यूब था ये प्लस एक्स क्यूब था, दोनों कैंसिल आउट हो गया एज इजी एज दिस। लेकिन नीचे नीचे थिंग्स विल बी अ बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग अपने आरएचएस में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना मत भूलना। आरएचएस में आपके पास 62 एंड 63 है, दोनों को ऐड करके ऊपर लिखेंगे, 62 और 63 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 125, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करके नीचे लिखेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 62 माइनस 63 विल बी इक्वल्स टू माइनस वन मत लिखना, माइनस वन लिखेंगे, क्लियर है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स। ओके सो दिस 1 प्लस 1 इज व्हाट दैट रिमेन्स, 1 प्लस 1 बिकम्स 2। नीचे आपको इस ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब ये तो पहला वाला पार्ट है, इसके पहले साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, चेंजेस कहां पे आते हैं, सेकंड ब्रैकेट में आते हैं। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इट इज 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब सेकंड ब्रैकेट में, यहां पे नेगेटिव का साइन है, दोनों का साइन चेंज होगा, इट विल बिकम माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू। अब देखना ध्यान देना, ये दोनों पॉजिटिव था लेकिन ये साइन के वजह से दोनों नेगेटिव हो गया उधर जाके, 125 बाय माइनस 1 बचा, 125 बाय माइनस 1 बचा। ओके नाउ दिस प्लस 1 एंड माइनस 1 गेट्स कैंसिल्ड, ये होता है 2 माइनस 2 एक्स क्यूब। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब होता है, करेक्ट, लाइक माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है, वैसे ही माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बिकम्स माइनस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 125 बाय माइनस 1। दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव गेट्स कैंसिल्ड, दिस 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल्ड ऑल्सो। नाउ एज योर सब्जेक्ट इज एक्स, तुमको आखिर में एक्स का वैल्यू निकालना है, और यहां पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, सो बेटर रहेगा कि अगर आप इन दोनों साइड्स पे क्यूब रूट अप्लाई करें, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ था, वैसे इस क्वेश्चन में क्यूब रूट अप्लाई होता है।
ओके. नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट अप्लाई करूंगा तो वो कैसे होगा, वो होगा ऐसे, ये क्यूब रूट है ना. अब देखिए स्क्वायर रूट में यहाँ पे स्क्वायर मेंशन नहीं करना पड़ता, जस्ट रूट ओवर देंगे तो स्क्वायर रूट माना जाता है. लेकिन सिंस आप क्यूब रूट कर रहे हो तो यहाँ पे ये होल क्यूब, मतलब ये क्यूब वाला साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यूब रूट एक साइड पे अप्लाई हो नहीं होगा, दोनों साइड पे अप्लाई होगा. सो इधर आप क्या करोगे, यहाँ पे भी आप एक क्यूब रूट दोगे, दोनों साइड पे अप्लाई होना चाहिए. अब इस क्यूब रूट की वजह से ये जो क्यूब था वो रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 1/x है ना. उस तरफ देखना, दिस 125 कैन बी रिटन एज 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 25 × 5 = 125. क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट का मतलब होता है भाई तीन के बदले एक बाहर निकलेगा. जैसे स्क्वायर रूट मतलब होता है अगर पेयर है तो बाहर आप निकालते हो, है ना, x into x रहेगा तो आप एक x बाहर निकालोगे. क्यूब रूट में क्या होता है, x into x रहेगा तो एक x बाहर जाएगा. वैसे यहाँ पे 5 into 5 into 5 है तो क्या होगा, एक 5 बाहर जाएगा. आपको आंसर किसका निकालना था, याद है आंसर आपको निकालना था 1/x का, नहीं आपको आंसर निकालना था x का. मतलब आपको अपना आंसर निकालने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा, है ना. अगर आप एक साइड पे रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको दूसरे साइड पे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, विच मींस अगर आप इधर 1/x को x लिख रहे हो तो आप 5 को 1/5 लिखोगे, क्योंकि इस 5 के नीचे तो 1 रहता ही है. तो अगर इस तरफ रेसिप्रोकल होगा तो उस तरफ भी रेसिप्रोकल होगा और x का आंसर क्या आ जाता है, 1/5 आ जाता है. तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का हाईलाइट क्या था, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का हाईलाइट था ये, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन में. अगर आपको वो a³ + b³ और a³ - b³ का फॉर्मूला नहीं लर्न है, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ योर लीग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अंडर रूट्स. लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले दिस क्वेश्चन इज नथिंग. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मूलाज का यूज नहीं होता है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ दिस सम्स गेट्स कंप्लीटेड ओवर इन लेस देन 4 स्टेप्स. जैसे अगर आप यहाँ पे x रखे हो, ये x by 1 होता है एक्चुअल में. ओके, सो दिस विल बी रिटन एज x + 1/x - 1. कंपोनेंट एंड डिविडेंड LHS में अप्लाई हो रहा है. अब आ जाते हैं अपने RHS में. अगर आप RHS को ठीक से देखोगे तो RHS में यू गेट अंडर रूट a² + b² + √a² - b² एज द न्यूमरेटर एंड √a² + b² - √a² - b² एज डिनोमिनेटर. यू आर सपोज टू एड देम ऑल, यू आर सपोज टू एड देम. कैसे, इट इज अंडर रूट a² + b² + √a² - b² यहां तक मैं बात कर रहा हूं सिर्फ न्यूमरेटर का. डिनोमिनेटर की बारी आएगी. डिनोमिनेटर में यू हैव अंडर रूट a² + b² - √a² - b² Now, as you can see, it is a premature step, but still, अगर आप देखेंगे तो a² - b² यहाँ पॉजिटिव है और a² - b² यहाँ नेगेटिव है. ये दोनों आप आराम से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि रूट ओवर के अंदर जो डेटा है वो सेम है, लेकिन दोनों की साइन डिफरेंट है, एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है. The proper recipe of canceling them all. अगर आप डिनोमिनेटर में जाएंगे, यू आर सपोज टू सब्सट्रैक्ट देम. सेम रहेगा लेकिन सब्सट्रैक्शन होगी. मतलब ये कि यहाँ पे आप देंगे a² + b², यहाँ पे आएगा a² - b². अब यहाँ पे ब्रैकेट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है सब्सट्रैक्शन का साइन. मैं हर बार बोलता हूँ कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में अपने डिनोमिनेटर में केयरफुल रहिएगा, वहां पे साइन मिस्टेक्स होना बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन. अब देखिए यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन देंगे, फिर एक ब्रैकेट ओपन होगा, अपने डिनोमिनेटर को आप मेंशन करेंगे. हमेशा न्यूमरेटर पहले अपीयर करता है, डिनोमिनेटर बाद में अपीयर करता है कंपोनेंट और डिविडेंडो के प्रोसेस में. नाउ आपका डिनोमिनेटर इट इज अंडर रूट a² + b² - √a² - b² क्लियर. नाउ यू नीड टू जस्ट एड देम अप. रूट ओवर प्लस रूट ओवर, डेटा तो सेम है. इट्स लाइक √a + √a = 2√a. इट्स लाइक an apple and an apple makes 2 apples. So in the same way, यहाँ पे आप 2 × a² + b² under root provide करते हैं, क्योंकि ये same चीज कितना बार appear कर रहा है, दो बार appear कर रहा है. Now coming to the denominator. Now this is √a² + b² okay, plus √a² - b² great. And then it is −√a² + b² okay. Minus minus becomes plus.
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट हैपेंस, देखिए फिर से आपको साइन में चेंजेस दिखाई देंगे, है ना। कहां पर ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव लेकिन यहां पर नेगेटिव, दोनों में हो गया कैंसलेशन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट एंड अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट क्या है, साइन सेम रख रहा है ना, साइन सेम रखा है इसलिए हम क्या करेंगे दोनों को एड करेंगे। और जैसे पहले हम लोग टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे थे, अब किस चीज की बारी है, टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि जो प्रीवियस स्टेप में हुआ वही स्टेप में हो रहा है। प्रीवियस स्टेप में क्या हुआ था, एक ही डेटा दो बार अपियर कर रहा था, इस स्टेप में भी यही हो रहा है, एक ही डेटा दो बार अपियर कर रहा है कि नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस टू टू गेट्स कैंसल्ड और आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाता है। नाउ अपने LHS को भूलना नहीं है, याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपके पास, इट वॉज एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन। क्लियर? नाउ वट वे यू सपोज टू प्रूव, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपके आंसर में बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए आया है, है ना। मतलब ये कि यहां पर आपके x के ऊपर भी आपको स्क्वायर चाहिए होगी। बाय द वे x के ऊपर स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि आपके RHS में एक अंडर रूट है, और अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं करते हैं तो वो अंडर रूट कभी गायब होगा भी नहीं। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, और आप इस डिसीजन तक इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट जब तक रहेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि अपने इस स्टेप में जाते जाते क्या करें, इसको स्क्वायर कर दें। रीजन सिर्फ एक ही है, क्या है वो रीजन, वो रीजन ये है कि वो रूट ओवर को हमें हटाना है। और वैसे यहां पे क्या आएगा, इट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का लगेगा यहां पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। जस्ट लाइक एक्स प्लस वन होल स्क्वायर था तो पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे लिखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, 2 इंटू 1 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2x। नीचे अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1। अगर आप x माइनस 1 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिला आपको, x माइनस 1 होल स्क्वायर ना, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट वन, फर्स्ट एलिमेंट क्या है x है उसका स्क्वायर लिखो, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 है उसका स्क्वायर लिखो, उसके बाद माइनस 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स बिकम्स माइनस 2 एक्स। क्लियर? ओके, अगर अपने आप RHS में देखेंगे तो क्या होगा, कोई खास मॉडिफिकेशंस नहीं है, क्या हो जाता है, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉट सो यू नो इट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, वाई, क्योंकि अब आपके पास अंडर रूट नहीं है, और अंडर रूट नहीं होना एक बहुत बड़ा बून है कि नहीं। क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम पूरे सिनेरियो में, नहीं? अच्छा, गेस द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू आर सपोज टू अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वंस अगेन। अब इस बात का आइडिया आपको कैसा लगेगा, हाउ विल यू नो इट, इसके पीछे का रीजन क्या है? ओके, दैट मींस दैट यू कैन easily apply componendo and dividendo like x square plus 1 plus 2x plus x square plus 1 minus 2x, correct? नीचे क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पहले अपना लिखा numerator, फिर आपने लिखा denominator, correct? फिर से क्या करेंगे, it is x square plus 1 plus 2x and negative का sign देंगे इस बार, x square plus 1 minus 2x. The reason being, क्योंकि ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ऊपर क्या होता है एडिशन होता है, नीचे क्या होता है सब्सट्रैक्शन होता है, तो नीचे सब्सट्रैक्शन हो रहा है ऊपर एडिशन हो रहा है, करेक्ट है, नो इश्यूज ना। ओके, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, लेकिन अभी तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो उस तरफ भी लगेगा, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन का कोई इश्यू नहीं है, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है, बट नीचे क्या होगा, नीचे माइनस का साइन आएगा, आपको हमेशा कॉशियस रहना है यहाँ पे, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो आपने फिर से यहाँ पे पहले न्यूमरेटर मेंशन किया, फिर आपने डिनोमिनेटर मेंशन किया, और बीच में नेगेटिव का साइन रहेगा। ऊपर क्या था? पॉजिटिव का साइन था। आप देखेंगे ना तो ऊपर और नीचे कंटेंट सेम है, लेकिन ऊपर एक पॉजिटिव का साइन आता है और नीचे एक नेगेटिव का साइन आता है। नाउ कमिंग टू द कैंसिलेशन एट द न्यूमरेटर पार्ट, आपके न्यूमरेटर पार्ट में क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है देखिए। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ? कैंसल आउट हो गया। इन द सेम वे प्लस टू एक्स एंड माइनस टू एक्स क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं? लेकिन आपका डिनोमिनेटर अभी भी वो एक बहुत क्रूशियल मूव है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? सी दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम टू एक्स स्क्वायर, या फिर बस आप ये समझ लीजिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का दो दो अपियरेंस है, एक यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टोटल दो एक्स स्क्वायर प्लस वन है आपके पास। एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना आपके पास? दो है। कैसे? एक यहां पर और एक यहां पर। ओके, डिनोमिनेटर में इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि इसके पहले के साइन क्या है? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर चेंजेस आएंगे क्योंकि इसके पहले के साइन क्या है? नेगेटिव। सबका साइन चेंज होगा। If you look at this very very carefully, you will realize कि ये x square positive था, negative हो गया, one positive था, negative हो गया, minus 2x negative था, positive हो गया, correct? Is equals to what? A square plus a square is 2a square, है ना? But यहाँ पे a square plus b square, this will remain unchanged, क्योंकि इसके पहले की sign क्या है? Positive है, but this part, a square minus b square वाला part. यहाँ पे क्या होगा? आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। The basic reason being, क्योंकि इसके पहले की साइन क्या है? नेगेटिव है, और इस नेगेटिव की वजह से इस पूरे ब्रैकेट का फीचर चेंज होता है। वो a square जो कि पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना? और जो b square नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। बट पहले इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर वॉज पॉजिटिव, इट टर्न्स नेगेटिव, एंड दिस बी स्क्वायर वॉज नेगेटिव, इट टर्न्स पॉजिटिव। क्लियर? This minus a square and plus a square gets cancelled. ये दोनों cancellation में चली जाएगी. Okay? Next step में आ जाते हैं. This x square was positive and this x square was negative gets cancelled. Now here you will find plus one and minus one. Plus one minus one gets cancelled. Correct? Now at the numerator you will find 2x square plus one. At the denominator you have 2x positive. And then again you have 2x positive. 2x plus 2x becomes 4x. Great. Okay. Is equals to 2a square by 2b square. Is it visible? Dikh raha hai? 2a square by 2b square. Now 2a square by 2b square agar aap likhenge, 2 gets cancelled. In the same way, at the LHS, you have 2 and 4. Again, you are supposed to cancel them. Toh aapka answer aa jata hai yahan pe x square plus 1 by 2x. और RHS में आ जाता है a square plus b square. Now for a second I will like to suggest you कि आप लोग अपने question पे एक बार ध्यान दें. Okay, coming to the question. Question में अगर आप ठीक से देखोगे तो आपका b square एक subject है. आप b square को लेके ही sums बना रहे हो. आपको b square का ही answer निकालना है. क्या प्रूव करना था आपको? b square is equals to 2a square x by x square plus 1. So for that it is important कि आप ये समझें कि आपके LHS में क्या होना चाहिए. B square होना चाहिए ना. B square के अलावा क्या है? देखिए LHS में it's only B square. तो आपको B square का आंसर निकालना है. अब B square का आंसर कैसे निकालेंगे? उसको अकेला करके निकालेंगे. क्या अपने पास ऐसा इक्वेशन आ चुका है? हाँ, अपने पास ऐसा इक्वेशन आया है, बट उसमें B square सब्जेक्ट नहीं है. तो यहां से अपने ये समझते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा. आपका सब्जेक्ट रहेगा B square. B square के perspective से, point of view से अपने sums को आप complete करने वाले हो. Okay? Now, let's go on to the working side. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, B square आपका subject रहेगा. अब ये उन rare questions में से है जहां पे कि component and dividend के अलावा भी कुछ use होता है. मैं जब इस पूरे के पूरे class को शुरू किया था तो मैं आप लोगों को बताया था about alternando. ये alternando क्या था? Alternando was swapping of numbers between up and down. ऊपर और नीचे में अपने क्या कर सकते थे? नंबर स्वैप कर सकते थे, करेक्ट है? अच्छा, अगर अपने नंबर स्वैप कर रहे हैं तो क्या होगा? क्यों बोल रहा हूं मैं नंबर स्वैप करने के लिए? देखिए, here you have 2x at the LHS, correct?
यहां पे आपके पास x स्क्वायर प्लस वन है, ये 2x क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे, ये 2x ऊपर की तरफ जाएगा यहां पे, सो इट बिकम्स ए स्क्वायर के साथ 2x, ओके ये 2x ऊपर जाता है, ये सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कुछ भी नहीं है। अब आप यूज करेंगे ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या बोलता है? ऑल्टरनेंडो बोलता है कि आप ऊपर और नीचे में स्वैपिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो वाला पार्ट में इरेज कर दिया, ओके, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी फॉर एग्जाम्पल, ये बी और ये सी अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकता है, यही था ऑल्टरनेंडो। इसके अलावा यू कुड इवन डू दिस लाइक दिस, आप इसको भी स्वैप कर सकते थे, है ना, यही था आपका ऑल्टरनेंडो। अगर आप यहां पे ऑल्टरनेंडो लगाओगे तो आपको अपने सम्स का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। कैसे? ये बी स्क्वायर में और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन में आपको स्वैप करना पड़ेगा, यहां पे ऑल्टरनेंडो लगेगा। लुक एट दिस पार्ट, ये बी स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आएगा, और आपको मेंशन करना पड़ेगा बाई अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो। जहां जहां पे आपने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया जिन जिन स्टेप्स में, वहां पे भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि आपने वहां पे बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई मेंशन करना पड़ेगा आपको। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये बी स्क्वायर ऊपर जाता है यहां पे और उसके बदले ये एक्स स्क्वायर प्लस वन नीचे आता है यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहां पे आपका पूरा का पूरा सम्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अपने सम्स का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे तो शायद आपके सम्स का रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा ही था, इट वॉज टू ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अगर आप यहां पे आ जाओ तो आपको दिखाई देगा इट इज टू ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, फाइनली यू गेट द वैल्यू फॉर बी स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे ऑल्टरनेंडो यूज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल्टरनेंडो यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर आपका सब्जेक्ट था। अब ऑल्टरनेंडो एक सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ खास है नहीं, बट स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल एट दैट वेरी स्टेप, केयरफुल रहेंगे यहाँ पे। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा हाईलाइट ये ऑल्टरनेंडो वाला स्टेप था, ओके इस क्वेश्चन का ये भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक बार नहीं तक की दो दो बार अप्लाई होता है, क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अब इस क्वेश्चन को करने के पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट ऑन विथ दीज टू फॉर्मूलाज। अब देखिए, ये दोनों फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलाज के बिना ये सम्स नहीं हो सकता। अब ये दोनों फॉर्मूलाज का आंसर, इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए। बहुत सिंपल तरीका याद रखने का, पहले a के ऊपर स्क्वायर जाता है फिर b के ऊपर स्क्वायर जाता है। क्लास 9 एक्सपेंशंस में ये चैप्टर ये फॉर्मूलास बताए गए थे। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए इज योर वैल्यू। इसमें भी कहीं ना कहीं वैल्यूज वैसे ही रहते हैं, a क्यूब यहाँ पे आएगा, b क्यूब यहाँ पे आएगा, थ्री ए स्क्वायर बी और यहाँ पे आएगा थ्री बी स्क्वायर ए। लेकिन जो साइंस की प्लेसमेंट है वो बहुत अलग तरीके से होती है। जैसे यहाँ पे ए क्यूब रहेगा, यहाँ पे माइनस बी क्यूब रहेगा, यहाँ पे माइनस थ्री ए स्क्वायर बी रहेगा, लेकिन लास्ट में प्लस थ्री बी स्क्वायर ए रहेगा। अब देखिए, इस फॉर्मूला को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे नजर में ये है कि आप बस ये याद रखें कि इस फॉर्मूला में फर्स्ट और लास्ट साइन सेम रहता है, फर्स्ट और लास्ट। देखिए, पहले वाले का जो ए क्यूब है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जो फर्स्ट और लास्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो बीच वाले हो सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, लेकिन ऊपर वाले में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ना आप ये समझिए कि कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो अप्लाई करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज तो बहुत अच्छी है कि सारा का सारा एक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में और सारा का सारा वाई आपके राइट हैंड साइड में। इसका मतलब ये कि आपको एक दो स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, बच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 क्या किए, दोनों पार्ट्स को इसको और इसको ऐड कर दिए। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। कैसे? इट इज x क्यूब प्लस 12x, सब्सट्रैक्शन का साइन देंगे 6x स्क्वायर प्लस 8। तो ऊपर क्या हो रहा, एडिशन, और नीचे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। इज इक्वल्स टू का साइन देना, इट इज y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27।
यहाँ पे आपने क्या किया, फिर से एडिशन किया, किसका, इसका और इसका। ब्रैकेट्स देखिए, ब्रैकेट्स देख के आपको समझ में आएगा, ये आपका न्यूमिनेटर था, वो आपका डिनोमिनेटर था, दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब क्या करना अपने को, सब्सट्रैक्शन करना है। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इट्स y क्यूब प्लस 27y, है ना, माइनस का साइन देगा, एंड देन इट्स y 9y स्क्वायर प्लस 27। कॉम्पोनेंट है, डिविडेंडो में ऊपर और नीचे का कंटेंट सेम रहता है, बस बीच वाला साइन डिफरेंट रहता है, ऊपर रहता है एडिशन, नीचे रहता है सब्सट्रैक्शन। अगर आप इसको ठीक से रेंडर करेंगे तो आपको मिलता है x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 27y प्लस 9y स्क्वायर प्लस 27 होल डिवाइडेड बाई y क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। अब आप कुछ मिनट के लिए इस तरफ फोकस करना बंद करिए, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सम्स जितना फैक्टराइजेशन का है उससे ज्यादा ये सम्स एक्सपेंशंस का है। अगर कोई बच्चा एक्सपेंशंस ठीक से किया होगा तो ये सम्स यहीं पे सॉल्व है अगले स्टेप में, है ना। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अगर डायरेक्टली करके दिखाऊं तो ये एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है और ये एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है, उस तरफ ये वाई प्लस 3 का होल क्यूब है और ये वाई माइनस 3 का होल क्यूब है। अब देखिए ये चीज आप तब कर ले पाते जब आपको एक्सपेंशन पता होता, लेकिन आपके जो पुराने कर्म है वो इतने अच्छे हैं कि आपको एक्सपेंशन पता नहीं है। अब नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं, इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने, बट हाँ अगर आपको एक्सपेंशन पता रहेगा तो इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप होगा, फिर ये जितने भी क्यूब्स है ना सबको हटाने के लिए आपको क्यूब रूट्स करने पड़ेंगे। एक बार जब क्यूब रूट हट जाएगा वापस एक बार कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई होगा और आपको एक्स वाई एक्सिस टू वाई का आंसर मिल जाएगा। तो इस सम्स एक्चुअली में चार स्टेप का, लेकिन सिंस आपको एक्सपेंशन नहीं पता है अपने को इस सम्स को और डिटेल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 8 है ना। देखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेट्स चेंज दी, इट इज एक्स क्यूब, ठीक है एक्स क्यूब लिख लिया, 8 है ना, 8 को लिखने का सही तरीका है ये, बात समझ में आया, तो इट इज एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूं इस फॉर्मूला का, है ना, क्योंकि देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब था उसके जगह पे क्या जा रहा है, x क्यूब प्लस 2 क्यूब जा रहा है। उसके बाद क्या फॉर्मूला में 3a स्क्वायर b, अच्छा 3a स्क्वायर, a मतलब a कौन था तुम्हारा, x था ना, पहला नंबर कौन है, x है, दूसरा कौन है, 2 है, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, 3a स्क्वायर b मतलब होगा 3x स्क्वायर 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, करेक्ट है कि नहीं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इट इज a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब की जगह पे तू लिखा x क्यूब, b क्यूब की जगह क्या लिखे हो 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b की जगह पे आप लिख दिए 2, उसके बाद आपको लिखना है 3b स्क्वायर a, 3 फॉर्मूला का हिस्सा है, b स्क्वायर की जगह पे लिखोगे 2 स्क्वायर और उसके बाद आप लिखोगे a, a मतलब क्या था, x था। अब समय लो और कंपेयर करना चालू करो, देखो x क्यूब मैच कर रहा है, 8 एंड 8 मैच कर गया, नाउ इट इज 12x, देखना 12x कहां मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 का क्या होता है 12 और 12 के साथ क्या रखा है x, तो ये क्या हो गया 12x, यहां पे भी 12x आ गया और वहां पे भी 12x आ गया, करेक्ट। Now, वहां पे अगर आप देखोगे 3 2 जा 6 है कि नहीं, 3 2 जा 6 x स्क्वायर, यहां पे भी 6 x स्क्वायर, पूरा सुटेबल बैठ रहा है कि नहीं, इसीलिए आप क्या बोलेंगे कि भैया दिस इज द फॉर्मूला फॉर x प्लस 2 का होल क्यूब, बात समझ में आया। अब इस सिनेरियो में आपका जो a है ना, a मतलब फर्स्ट टर्म, वो कौन है x है, बात समझ में आया, और सेकेंड टर्म क्या है, बी बोलते हैं ना उसको, सेकेंड टर्म क्या है आपका बताइए 2 है, तो आप यहां पे सेकेंड टर्म को 2 बोलेंगे, बात समझ में आया। इन द सेम वे आप ये सेकेंड फॉर्मूला को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ठीक है ध्यान देना सेकेंड फॉर्मूला का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा।
हमारे फॉर्मूलाज वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट नाउ ये देखना, ये x क्यूब प्लस 12x माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8 लिखा हुआ है। x क्यूब मतलब x क्यूब हो गया, चलो ठीक है। 8 मतलब क्या लिखोगे? 2 क्यूब लिखोगे। बताओ कहां तक पहुंचा है आपका गाड़ी? अभी तक a क्यूब प्लस b क्यूब कवर हुआ है बस। a क्यूब मतलब x क्यूब है ना माइनस b क्यूब, दिख रहा है? मैं इस फॉर्मूला का बात कर रहा हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, a क्यूब के जगह पे x क्यूब, b क्यूब के जगह पे 2 क्यूब। उसके बाद का फॉर्मूला क्या है? माइनस 3 a स्क्वायर b। बताइए आपका a क्या है? x है, और b क्या है? 2 है। a स्क्वायर b मतलब क्या होगा? x स्क्वायर b, b का वैल्यू कितना है? 2। ग्रेट, हो गया ना। उसके बाद आप प्लस का साइन दोगे एंड देन 3 b स्क्वायर a, तो यहां पे क्या लिखोगे? 3 b स्क्वायर b कौन है? b क्या है? 2। अच्छा, तो 2 स्क्वायर a, a का वैल्यू क्या था? x था, तो यहां पे क्या देंगे आप? x देंगे। अब किस चीज की बारी आ गई? कंपैरिजन की। कंपैरिजन में क्या क्या, चलो देखते हैं। अब देखिए यहां पे x क्यूब और वहां पे x क्यूब मैच कर रहा है, यहां पर लिखा हुआ माइनस 8 और वहां पर लिखा हुआ है 2 क्यूब। अब 2 क्यूब मतलब क्या होता है? इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, सो इट बिकम्स 8। यहां पर प्लस 8 था, सॉरी यहां पर माइनस 8 था और वहां का माइनस 8 मैच कर जाएगा। यहां पर भी माइनस 8 है और यहां पर भी माइनस 8 है। ओके, 3 टू जा 6, 6x स्क्वायर है वो भी नेगेटिव। देखिए 6x स्क्वायर है वो भी नेगेटिव। टिक मार्क, टिक मार्क, मैच कर गया। 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 12x, और यहां पे क्या दिया हुआ है? 12x, ये दोनों भी मैच कर गया। भैया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए थे? ये अप्लाई किए थे ना बैठ के, कौन सा फॉर्मूला है ये? a माइनस b होल क्यूब का। a मतलब क्या हुआ? x माइनस b होल क्यूब, b मतलब क्या है? 2 होल क्यूब। बात समझ में आया? तो ये a माइनस b होल क्यूब बोला जाएगा, लेकिन ये चीज समझने के लिए आपके पास होना चाहिए एक्सपेंशन का बैकग्राउंड, नहीं रहेगा तो बस गए, ठीक है। अब इतना मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन क्लियर नहीं, अगर एक्सपेंशन क्लियर होता तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक है। उस चीज के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नंबर देखना होता, ठीक है। लाइक 27 है ना, तो 3 का क्यूब है, अगर हर जगह पॉजिटिव है मतलब कि y plus 3 का होल क्यूब हो गया। ये माइनस 27 है तो माइनस 3 का क्यूब है, तो y माइनस 3 का होल क्यूब हो गया। लेकिन उस चीज के लिए एक्सपेंशन का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इन डिटेल्स, वैसे शायद आपको हमेशा मौका नहीं मिले, तो आप लोग हो सके तो एक बार एक्सपेंशन को कंसिडर करिएगा, अच्छा चैप्टर है, वापिस कर लीजिए क्लास 9 के कोर्स से जाके उसको। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, फॉर्मूलाज याद रखना, फिर से बता रहा हूं। अब देखिए ये लिखा हुआ है यहां पे y क्यूब, चलो यहां पे लिख देते हैं y क्यूब। 27 को क्या लिखना चाहिए? 3 क्यूब लिखना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बताओ? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट या सेकेंड? ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑल अबाउट पॉजिटिव्स, और हमारे पास पॉजिटिव तो आ चुका है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो दिख रहा है मेरे को एकदम साफ साफ, है ना। ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ए के जगह पे लिखा हुआ है वाई, और बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3। ग्रेट, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, बी, बी मतलब 3, करेक्ट। उसके बाद 3 बी स्क्वायर ए, क्या लिखेगा? 3 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, और उसके बाद a, a के जगह पे a का वैल्यू लिखना, a मत लिख देना, a मतलब फर्स्ट नंबर, b मतलब सेकंड नंबर होता है, a का वैल्यू क्या है? y है। अच्छा अब देखो, चलो टैली कर लेते हैं, y क्यूब है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी तुमको y क्यूब नजर आएगा, देखो y क्यूब मिल गया, ठीक है। 3 क्यूब मतलब होता है 27, देखो 27 यहाँ पे मिल गया, मैच कर रहा है। 3 3s are 9 y स्क्वायर, 3 3s are 9 y स्क्वायर, मैच कर गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ब्रैकेट के अंदर है 3 स्क्वायर जिसका आंसर होता है 9, ब्रैकेट के बाहर है 3, मतलब हो गया 9 3s are 27, ब्रैकेट के उस तरफ है y, हो गया 27y, 3 स्क्वायर 9, 9 3s are 27, 27y, लुक हियर, आपको मिलेगा 27y, देखो 27y, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेटअप को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेटअप, a प्लस b होल क्यूब। चलिए a प्लस b होल क्यूब करते हैं। अब a प्लस b होल क्यूब मतलब, a मतलब क्या था याद है? y, और b मतलब क्या था? 3,
इसीलिए क्या लिखेंगे y प्लस थ्री होल क्यूब, दिख रहा है y प्लस थ्री होल क्यूब, हर जगह अपने वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि उधर प्रूव कर रहे हैं वो यहाँ पे पुट कर रहे हैं, करेक्ट। वैसे आपको इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, लेकिन खुद के वर्किंग के लिए तुमको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y स्क्वायर माइनस 27। चलो पहले इसको टारगेट करते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पे, y क्यूब माइनस 27 को क्या लिखना चाहिए, 3 क्यूब, ओके 3 क्यूब, कौन सा फॉर्मूला है, साफ साफ दिख रहा है सेकंड फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव आ गया है ना, तो a क्यूब माइनस b क्यूब तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, अच्छा a स्क्वायर b मतलब ए स्क्वायर मतलब हो गया वाई स्क्वायर और बी मतलब हो गया थ्री, प्लस का साइन देंगे थ्री बी स्क्वायर ए, बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू थ्री था, तो यहां पे लिखेंगे थ्री स्क्वायर और ए, ए मतलब क्या था, ए मतलब वाई था, वाई को पुट किया, ओके। नाउ लेट्स टैली, देखो वाई क्यूब और यहां पे वाई क्यूब मैच कर रहा है, हाँ, माइनस 27 माइनस 27 मैच किया, हाँ, 3 3 is a 9, 9y square, 9y square negative, 9y square negative match कर रहा है, बिल्कुल। उसके बाद 3 into 3 square मतलब 3 into 9, 3 9 is a 27, 27y match कर रहा है क्या? हाँ, positive है वहाँ पे, यहाँ पे भी positive है, मतलब perfect ना? पूरा का पूरा setup match कर गया। कौन सा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला किस चीज का setup है? A minus B whole cube का। A मतलब क्या है? Y minus b, b का वैल्यू क्या रखा है, 3 का होल क्यूब, इसीलिए हम यहां पे क्या करें, y माइनस 3 का होल क्यूब लिखे हैं, बात समझ में आ गया। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सपेंशन समझाना पड़ा। अब मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ये सम्स का पार्ट नहीं है, आपको एक करके दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, बट खुद के वर्किंग मतलब वर्कआउट के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करूं। नाउ इसके बाद जहां पे आपको होल क्यूब दिख रहा है वहां पे आपको क्यूब रूट्स देके ये सारा होल क्यूब क्या करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, ओके। यहां पे आप एक दोगे क्यूब रूट और यहां पे भी आपको देना पड़ेगा क्यूब रूट, मैं पहले समझा चुका हूं, स्क्वायर को गायब करने के लिए स्क्वायर रूट और क्यूब को गायब करने के लिए क्यूब रूट का यूज करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट हट गया ना, क्या हुआ, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2, उस तरफ x प्लस थ्री वाई प्लस थ्री बाई वाई माइनस थ्री, क्लियर। अब क्या होगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वंस अगेन फॉर द लास्ट टाइम, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड किए, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस किए, याद रखिएगा ऊपर ब्रैकेट दे या नहीं दे, नीचे देना पड़ता है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो में नीचे क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है जहां पे गलती होने के चांसेस है, is equals to y plus 3 और यहाँ पे रखेंगे y minus 3, यहाँ पे y plus 3 ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे उसके बाद लिखेंगे y minus 3। देखिए मैंने दोनों जगह पर क्या किया, क्या किया, ध्यान कहाँ रखा है, पूरा आपके डिनोमिनेटर में, क्योंकि वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, दिख रहा होगा प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, 2x आ गया ना, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 माइनस x प्लस 2, क्योंकि अंदर जो भी है आपका उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू y प्लस 3 एंड y माइनस 3, करेक्ट। क्या लिखेंगे इसके जगह पे, ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2y, करेक्ट। और वहां पे क्या होगा, y प्लस 3, यहाँ पे चेंजेस थोड़े ना आएंगे, y प्लस 3 के पहले नेगेटिव है क्या, नहीं, y प्लस 3 के पहले नेगेटिव नहीं है, y माइनस 3 के पहले नेगेटिव है, यहां पर है ना नेगेटिव, तो साइन चेंज अब होगा, y वाज पॉजिटिव टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव and this 3 was negative turns out to be positive, cancellations obviously y y cancelled out, x x cancelled out, value same hai, sign different hai, cancellation hoga. Achha, kya bacha aapke paas, it is 2x by 4 is equals to 2y by 6, correct, ye 2 2 ho gaya cancel, fir se yaad kar lijiye alternando ko, alternando kya karta tha, ek upar aur ek niche ko swap karta tha, diagonal swapping hua karti thi, teda ha? अच्छा, which brings me to the conclusion कि y कहाँ जाएगा, नीचे, और 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, नहीं समझा, चल, नहीं, please, अच्छा, x by 4 and y by 6, आपको swapping करना है, वो भी horizontal, तो ये y जाएगा नीचे, और 4 जाएगा
ऊपर, क्लियर है? अच्छा फिर से बोलू क्या, देखिए जो 4 है वो कहां जाएगा, ऊपर, और ये y कहां जाएगा, नीचे। क्या बोलते थे इसको, ऑल्टरनेंडो बोलते थे। ओके सो एक्स वाई वाई हो जाएगा, y नीचे आ गया था ना, याद है? ओके ये 4 कहां जाएगा, ऊपर, क्या होगा इज इक्वल्स टू 4/6। अगर आप कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। सही बात है, एक्स बाई वाई का आंसर मिल गया, वही तो ढूंढना था ना, एक्स इज टू वाई मतलब होता है एक्स बाई वाई, सेम ही तो हुआ, लेकिन इसका आंसर रेशियो में चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन रेशियो में है, तो मैं 2/3 को क्या लिखूंगा, 2:3 लिखूंगा, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, अब ये चैप्टर में आपको प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है, जितने भी बोर्ड क्वेश्चन रहेंगे आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्लियर है? अच्छा देखिए, मेरे को पता है कि यू नो ये टॉपिक्स थोड़े से टफ है, कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू, बने रहने के लिए शुक्रिया, और ऑन अ पर्सनल बेसिस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो देख देख के किसी को मैथ्स नहीं आता है, कॉपी भरना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब तक के लिए मिलते हैं वापस, शुक्रिया।